ये कह रहे हैं कि आप सच कह रही हैं, कौन कह रहा है कि आप झूठ बोल रही हैं? आपसे किसने कहा? आप उसका नाम बताएं, आपसे किसने कहा आप झूठ? कोई भी करे, बस मैं यही कहना चाहती थी। चले आप यही कहना चाहती हैं, बस करें। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अपना हर प्रोग्राम उठा के देख लें जिसमें बुरा भला नहीं कहा, उसको दहशत गर्द नहीं कहा, आपने उसको फांसी चढ़ाने के लिए क्या क्या दलाई नहीं दिए। आप एक अरसे से लगी हुई है, एक प्रोग्राम आप मिस नहीं करती। बात सुने, फिर उसकी अपना मेरी बहन की बात वो भी मान गया कि मैंने कहा कि इमरान खान ने भी ये किया। तो यार किसी की बात तो आप बताएं कि आपको इतनी कत्लो गारत हुई है, किसने कराई है, किन लोगों ने उस मासूम लोगों को इस तरफ लाए हैं? आपने उसी शादो मत से कभी अल्ताफ हुसैन की मुखालफत क्यों नहीं थी की? आपने कभी एमक्यूएम की बुराई क्यों नहीं की थी, जिस जोर शोर से आप वकालत करती थी इमरान खान के खिलाफ, वकील बन के खड़ी होती थी रोज सिर्फ प्रोग्रामों में? हमने जब करते थे तो ये जी खातून है, लेकिन हमें पता चल गया है कि आप भी तो नवाज शरीफ की घाटी है। आपका क्या मतलब, चुप कर यार महमूद भाई, आप भी तो नवाज शरीफ की नाते पढ़ते रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस प्रोग्राम की और पूरे आपके प्रोग्राम की और जितने भी लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ एक बात करूंगा, सिर्फ एक बात। क्या इजाजत है जी? इमरान खान निकल के सिर्फ एक ही बात बोलेगा, ठाकुर तूने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे जिंदा छोड़ दिया। ये देखिए बिल्कुल सीरियस टॉपिक है ये आए तो मैं समझी शायद कोई बहुत अच्छा सा तजिया देंगे, पर ये आए तो उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। इन्होंने कहा सिर्फ क्या मतलब, आपको मैंने जो कुछ कह दिया ये आपकी समझ के ऊपर से चलेगी, बाउंसर होगी वो कहेगा मुझे तो लग रहा है कि सबके ऊपर से चली गई होगी, किसी के भी समझ में नहीं आई होगी आपकी ये बात। बाकी सही करें, ये बात तो किसी की समझ में नहीं आई होगी, ये बात तो सबके ऊपर से चली गई होगी। समझ आती, अगर इतनी समझ होती, इतना दिमाग होता तो ये पीटीआई में जाते। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। अच्छा ये भाई जिन्होंने अभी आके बात की है ना जी, उनको कहे हुए नए आइडिया ना दो भैया, वहां तक पहुंच गई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सही कहा आपने, ये कि आगे क्या निकले थे बाहर से निकले और आके बात की। यार नदीम भाई सलाम वालेकुम। यार मैं तो ये कहूंगा कि आप शायद ये कहते कि आज समीना बहन वाकई ये प्रोग्राम सच की आवाज साबित हो गया कि जो आज देखिए सच बोला गया इस प्रोग्राम में। आप भी तो अप्रिशिएट करें इस बात को यार। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यार आपको कौन सी बात अच्छी लगी? अल्ताफ हुसैन यार जो उन्होंने बिल्कुल और क्या बिल्कुल है, अल्ताफ भाई के बारे में जो बात कही बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। देखे शुरू और सियासत में इसमें आना इस प्रोग्राम में, मैं तो शुरू से ये कहता हूँ यार। लेकिन जब वो पार्टी थी पीटीआई जब अपने दौर में थी तो जो उस तरफ के लोग थे वो हमेशा फौज के लिए अच्छी बात करते थे जी। हम अच्छी बात करते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ये टॉपिक कभी नहीं लेकर आया था जो आज इन दिनों में हो रहा है। ऊपर की लेयर अगर खराब है तो फिर सारी फौज तो नहीं खराब ना, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जितना रद्दबदल होता है, जितनी गवर्नमेंट आती है जी 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 खत्म होती है, वो सब की सब हमारे देखें। नदीम भाई देखें बात ये हो रही है, इमरान खान को कहा गया कि जी बाजवा लेकर आए, आज इमरान खान बाजवा को बातें सुना रहे हैं, हमने हमारे कान पक गए सुन सुन के। तो भाई मेरे एमपीएस को किसने बनाया था ये भी आप जानते हैं, फिर आज फौजियों को बातें सुनाई जा रही है ये भी आप देख लें। हम तो ये कहते हैं कि सच की आवाज है, सच बोलो, हम तो ये कहते हैं ना, हम तो कहते हैं कि भाई जो जिसको लाया मेरा ख्याल है जो भी रीश और पाकिस्तानी है ना,
वो सबको पता है हमारे उसमें कैसे आती है गवर्नमेंट। मैं